Welcome to Business Coordinators. Today in Constitutional Law of India, we are looking at the case Purushottam Lal Dhingra versus Union of India, AIR 1958, Supreme Court 36. तो आज हम जो केस देख रहे हैं वो है Purushottam Lal Dhingra versus Union of India. Subject: In this case, the interpretation of Article 310 and 311 is made. तो इस केस में आर्टिकल 310 और 311 की इंटरप्रिटेशन दी गई है. तो हम देखते हैं पहले आर्टिकल 310 और 311 है क्या. व्हाट इज़ आर्टिकल 310 एंड 311 बिफोर वी गेट इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस. आर्टिकल 310 सेज द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ अ पर्सन सर्विंग द यूनियन और द स्टेट. सो द टेन्योर ऑफ अ पर्सन इज डिस्कस्ड. तो किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति राज्य या संघ में काम कर रहा है, उसके पदावधि जो ड्यूरेशन होगा वो डिस्कस किया गया है. और आर्टिकल 311 में डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर स्टेट और यूनियन इज डिस्कस्ड. तो संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों की पदायुक्ति किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना. तो ये दो आर्टिकल्स हैं जिस पे ये केस बेस्ड है. सो लेट्स लुक एट फैक्ट्स ऑफ द केस. पुरुषोत्तम लाल धींगरा वाज अपॉइंटेड एज अ सिग्नलर इन रेलवे डिपार्टमेंट इन 1924. इन 1942 ही वॉज प्रमोटेड एट द पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सिलेक्शन इन 1947 ही बिकेम द डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर. इन 1950 ही बिकेम द चीफ कंट्रोलर. ऑल द पोस्ट बिलोंग टू क्लास थ्री रेलवे सर्विसेज. ऑन 31 मार्च 1951 एपेलेंट गॉट सक्सेस इन द सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट कंट्रोलर रेलवे टेलीग्राफ्स which was class 2 railway service category. On 3rd July 1951, he took charge of the post from Shri Sahuram. He was ordered to work as officiating assistant controller, railway telegraph. तो ये पुरुषोत्तम लाल धींगरा जी थे जिन्होंने सिग्नलर की पोस्ट पे ज्वाइन किया रेलवे डिपार्टमेंट में 1924 में. 1942 में इनको प्रमोशन मिल गया, ये सिग्नल कंट्रोलर बन गए. 1947 में ये डेप्यूटी कंट्रोलर बन गए. 1950 में चीफ कंट्रोलर बन गए. ये सारी पोस्ट क्लास थ्री रेलवे सर्विसेज में आती थी. और 31 मार्च 1951 में इनको सक्सेस मिली और ये बन गए असिस्टेंट कंट्रोलर रेलवे टेलीग्राफ, जो कि क्लास टू पोस्ट में थी. तो ये एक मेजर प्रमोशन था इनके लिए. और 3rd July 1951 को इन्होंने चार्ज लिया श्री साहू राम से और ये बन गए असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ रेलवे टेलीग्राफ्स. देन श्री गौरी शंकर SSTEI हेडक्वार्टर्स मेड एन एडवर्स रिमार्क इन श्री धींगरा सीक्रेट कैरेक्टर बुक ऑन April 28, 1953 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय वन हाई ऑफिसर श्री एस सेन CSTE ऑन May 25, 1953 एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैड रिमार्क जनरल मैनेजर रेलवे श्री कर्नेल सिंह रिड्यूस्ड द एप्लीकेंट इन रैंक टू हिज प्रीवियस पोस्ट विच वॉज क्लास थ्री रेलवे सर्विस कैटेगरी. तो एक गौरी शंकर जी थे, उन्होंने एक नेगेटिव रिमार्क दिया इनके बारे में इनकी सीक्रेट बुक में, जो सर्विस बुक होती है, और उसको एंडोर्स भी किया एक दूसरे ऑफिसर ने, श्री एस सेन ने. तो उसके बेस पे जो जनरल मैनेजर रेलवे थ्री श्री कर्नेल सिंह, उन्होंने इनकी पोस्ट रिड्यूस करके वापस क्लास थ्री रेलवे सर्विस कैटेगरी कर दी. एप्लीकेशन वाज मेड एन अपील टू द जनरल मैनेजर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हिज जजमेंट ऑन August 20, 1953 बट द अपील वॉज डिसमिस्ड बाय द जनरल मैनेजर. तो अब एक एप्लीकेशन बनाई गई जनरल मैनेजर को कि आप रिकंसिडर करिए अपने जजमेंट को 20 अगस्त 1953 को, लेकिन जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी जनरल मैनेजर ने, बात नहीं मानी. आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द हिज अपील और द एप्लीकेंट रोट टू द रेलवे बोर्ड एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया
बटन वेन। तो रेलवे बोर्ड को लिखा इन्होंने, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को लिखा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑन 2 फरवरी 1955 द रेलवे बोर्ड थ्रू जनरल मैनेजर इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट हिज रिडक्शन इन रैंक विल रिमेन एंड कंटिन्यू ड्यू टू हिज अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क ऑन द पोस्ट बट इट विल नॉट अफेक्ट हिज फर्दर प्रमोशन। तो इनको ये बोला गया कि आपका जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उसमें कमियां हैं, इसकी वजह से आपके की जो पोस्ट है अभी वो ही रहेगी, लेकिन फ्यूचर प्रमोशंस आपका अफेक्ट नहीं होगा। इन द मीन टाइम द एप्लीकेंट फाइल्ड एन अपील फॉर अप्रोप्रिएट रिट अंडर आर्टिकल 226 इन द पंजाब हाई कोर्ट ऑन 3 फरवरी 1955। तो एक अपील पिटिशन लगाई गई आर्टिकल 226 के अंतर्गत पंजाब हाई कोर्ट में 3 फरवरी 1955 को। द मैटर वेंट टू द हाई कोर्ट। मिस्टर जस्टिस हरनाम सिंह ऑफ पंजाब हाई कोर्ट हेल्ड दैट द रिडक्शन इन रैंक ऑफ द एप्लिकेंट इज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट एंड ही वॉज नॉट गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, हैंस हिज अपील वॉज एडमिटेड, हिज रिडक्शन इन रैंक वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ मिस्टर जस्टिस हरनाम सिंह। द रिस्पॉन्डेंट प्रिफर्ड एन अपील बिफोर द डिविजन बेंच ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट। द अपील वॉज एक्सेप्टेड एंड डिविजन बेंच एंड द जजमेंट ऑफ जस्टिस हरनाम सिंह वॉज सेट असाइड। तो मैटर जब गया हाई कोर्ट में तो वहाँ जस्टिस हरनाम सिंह ने ये बोला कि ये एक तरह से पनिशमेंट है इस व्यक्ति को दिया गया है और उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, ये बताया नहीं गया है कि इसको पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो ये उन जो अपील थी पुरुषोत्तम लाल धींगरा जी की वो मान ली गई, लेकिन इसको फर्दर चैलेंज किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच में। तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की बेंच ने जस्टिस हरनाम सिंह का जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। बाय स्पेशल लीव टू अपील बाय द हाई कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट वॉज फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। द मेन क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वॉज वेदर द रिडक्शन इन रैंक ऑफ पुरुषोत्तम लाल धींगरा वॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 310 एंड 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द मेजॉरिटी जजमेंट वॉज डिलीवर्ड बाई चीफ जस्टिस मिस्टर एस आर दास। माइनॉरिटी जजमेंट वॉज डिटेस्टिंग वॉज डिलीवर्ड बाई जस्टिस बोस। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रश्न ये था कि क्या इनका जो रैंक रिड्यूस की गई है पुरुषोत्तम लाल धींगरा की, वो आर्टिकल 310 और 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी जजमेंट डिलीवर किया चीफ जस्टिस मिस्टर एस आर दास ने और माइनॉरिटी जजमेंट था वो मिस्टर जस्टिस बोस ने डिलीवर किया। मेजॉरिटी जजमेंट हेल्ड दैट द आर्टिकल 310(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन्स ऑन द पोस्ट टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट और द गवर्नर एज द केस मे बी। तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 310(1) ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पोस्ट पे तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति या गवर्नर चाहते हैं। दस द आर्टिकल रिकग्नाइज द इंग्लिश डॉक्ट्रिन प्लेजर बट आर्टिकल 311 इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अकॉर्डिंग टू विच सस्पेंशन, टर्मिनेशन और रिडक्शन इन रैंक कैनॉट बी डन बाय एन अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू दैट बाय विच देवर अपॉइंटेड। बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन टर्मिनेशन, सस्पेंशन और रिडक्शन इन रैंक अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मस्ट बी गिवेन टू द सफरर्स। इन द प्रेजेंट सूट द कोर्ट डिस्कस टू मेन इशूज विच आर एज फॉलोज। वेदर द एप्लीकेंट वॉज कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दैट पोस्ट, वेदर ही वॉज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट इलीगली इन सच पोजिशन वेयर ही इज एंटाइटल्ड टू
to scale protection of Article 311. Majority of judgment further declared that Shri Purushottam Lal Dhigra was working as an officiating assistant controller Railways Telegraph. He was not entitled to get the protection of Article 311 because the provisions of Article 311 are for permanent or temporary government servants and not for officiating posts. तो ये कहा गया कि आर्टिकल 310 और 311 के अंतर्गत जो टेम्प्रेरी और परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के से केवल उनके लिए नियम बना है और ये ऑफिशिएटिंग पोस्ट या ऑफिसर्स के लिए ये नियम इन मेजॉरिटी Minority judgment through Mr. Bose declared that the protection given under Article 311 should not be limited within some rules and regulations but should be seen as a reduction in rank due to some punishment. If it is only punishmentary nature, then the Article 311 will come forward for his protection. As a result, the appeal was dismissed. So, inki appeal dismissed kar di gayi. Unfortunately, principles of the laws laid down, the English doctrine of pleasure is limited by provisions of Article 311 of the Constitution. According to Article 311, the government servant cannot be suspended or reduced in rank by an authority subordinate to that by whom he was appointed. Suspension, termination or reduction in rank comes under the punishment category and the sufferer must be given proper opportunity to defend himself. Article 311 of the Constitution applied to the permanent and temporary services and not officiating officers. To seek the protection of Article 311, it is essential condition that the person must be competent person of that post. And he is officiating, he cannot, and if he is officiating, he cannot take the benefit of Article 311 of the Constitution. तो ये सारी बातें कही गई, doctrine of pleasure की बात की गई English law के हिसाब से. तो और government अगर suspend कर रही है या terminate कर रही है या rank reduce कर रही है किसी व्यक्ति का, तो उसको एक proper opportunity दी जानी चाहिए उसको defend करने के लिए. लेकिन आर्टिकल 310 और 311 परमानेंट और टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ के लिए लगता है, ऑफिशिएटिंग पोस्ट्स के लिए नहीं लगता. और आर्टिकल 311 का प्रोटेक्शन अगर आप सीख कर रहे हो तो वो पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस पोस्ट के लिए और वो ऑफिशिएटिंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए, वो ऑफिसर नहीं होना चाहिए, वो परमानेंट या टेम्प्रेरी एम्प्लॉय होना चाहिए. So this was a slightly controversial judgment. So please read this case and we will upload more cases in future. Thank you.